जिले में कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए एवं प्रभावित क्षेत्रों में सुचारू रूप से सैनिटाइजेशन कराने के लिए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने अपने कैंप कार्यालय में ही कंट्रोल रूम स्थापित करवाया है, जहां पर सुबह से लेकर शाम तक शहर के विभिन्न हिस्सों से लगातार लोग सैनिटाइजेशन से संबंधित कॉल कर रहे हैं। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम में कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराया था, जिसका त्वरित कार्रवाई कर निस्तारण किया गया। आपदा में अवसर तलाशने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया। जैसा कि आपके संज्ञान में है, कोरोना की जो ये दूसरी लहर चल रही है, उसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में जनमानस जो है संक्रमित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए और आम जनमानस को सुरक्षित रखने के लिए नगर निगम के द्वारा जनपद के समस्त 70 वार्डों में सैनिटाइजेशन के संबंध में व्यापक महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग समस्त वार्डों में 8 से लेकर 10 बड़े वाले चार पहिया वाहन, छोटे वाहन और जो हमारे कंधे पर लाद कर डोर टू डोर जो स्प्रे करते हैं, उनकी सहयोग से सफाई के साथ साथ सैनिटाइजेशन का अभियान जो है बड़े व्यापक पैमाने पर चलाया जा रहा है। और इसकी वजह से काफ़ी हद तक हम जो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाब होंगे। और इसको ध्यान में रखते हुए कि जब इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जिसके छूट जाने की संभावना होती है, तो वहाँ के लोग हमको इस बात को सूचित कर सकते हैं कि साहब ये पॉकेट्स में अभी सैनिटाइजेशन ठीक से नहीं हुआ है, या हुआ है कंप्लीट नहीं हुआ है, या एक बार पुनः जो है डेली जहाँ हो रहा है फिर से इसको करवाया जाए। तो इस बात को ध्यान में रखने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक कंट्रोल रूम बनाया है। एक कंट्रोल रूम जो हमारा जो सरकारी कार्यालय है नगर निगम, वहाँ पर चल रहा है। एक कंट्रोल रूम जो हमारे कैंप ऑफिस है, वहाँ से चल रहे हैं। उसमें हर समय यहाँ पर जो संबंधित हमारे विभाग के कर्मचारी हैं वो बैठे रहते हैं। जो भी समस्या आती है, जो भी बात आती है, उसको दर्ज किया जाता है और उसके बाद त्वरित उसका जो है निस्तारण कराया जा रहा है। इसके संबंध में कुछ ऐसी भी समस्याएं आ रही हैं कि जैसे कि जो हमारा राजघाट है, जो हमारा अंत्येष्टि स्थल है, उससे संबंधित कोई जगह जुड़ी हुई समस्या है, जैसे कुछ जगहों पर लकड़ी को लेकर के ज़्यादा दाम पैसा मांगा जा रहा है, या फिर कुछ अन्य समस्याएँ हैं उन सब को लेकर भी जो है शिकायतें आ रही हैं, तत्काल उसका डिस्पोजल कराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ हमने इस लोगों को एक लोगों से अपील भी किया है कि नगर निगम जो है इस बात को ध्यान देगा कि कोई, हमने सबसे पहले एक लेटर निकाला कि नगर निगम का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बिना मास्क के नहीं रहेगा। अब उसी को और बेहतर रूप देते हुए हमने अपने पूरे शहरी क्षेत्र में इस बात को अनिवार्य रूप से कर दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घूमता हुआ पकड़ा जाएगा तो उससे हम 1,000 रुपये का जो है चालान करके उससे हम वसूलेंगे, और अगर वही व्यक्ति 2 बार या 3 बार पकड़ा जाएगा तो उससे हम उससे 10,000 रुपये का आर्थिक दंड लेते हुए उसका चालान काटा जाएगा। और अगर इसके बावजूद वो बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब कि वो बार बार जो नियम बनाए गए उनको तोड़ रहा है, तो उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई अमल में लाएंगे। और ये अपील हम पूरे अपने जितने भी हमारे व्यापारी साथी हैं, व्यापारी भाई हैं, जो हमारे वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, सभी से, ठेले वाले को सबसे करना चाहूँगा कि वो लोग अनिवार्य रूप से मास्क का इस्तेमाल करें, और जो उनके यहाँ आ रहे हैं दुकान पर या कहीं पर भी, वो अपने मास्क का इस्तेमाल जो लोग किए हैं उन्हीं को ही सामान दें, और उनको भी, और मतलब हर जो आदमी मास्क नहीं लगाए उसको हर प्रकार से हतोत्साहित करें और उसको मास्क लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक जो अपील किया है, तो उससे निश्चित रूप से अगर सभी लोग
मास्क लगाने लगेंगे तो हम लोग काफ़ी बड़ी मतलब बहुत ही शीघ्र हम जो कोरोना की जो संक्रमण की चेन है उसको तोड़ने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ हमने पूरे शहर में जो अभी आपने देखा होगा IEEE के माध्यम से हमारे मुख्य 12 चौराहों पर जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम और कैमरे लगे हुए हैं, इसमें से हम अपने शहर के अति व्यस्त 15 चौराहे और ले रहे हैं। उन 15 चौराहों पर भी हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगवा रहे हैं और उन पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम पब्लिक को जागरूक करेंगे कि कैसे कोरोना से वो अपना बचाव कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले कि आप हर समय अपना जल्दी जल्दी हाथ साबुन से धोते रहें, डेटॉल साबुन से, मुंह पे हर समय मास्क लगाए रखें, चाहे घर से तभी बाहर निकलें जब कोई बहुत ज़रूरी हो, और साथ ही साथ जो है अगर वो कोशिश करें कि उनके अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल वाले जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनको भी मास्क लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, और अगर तब भी नहीं मान रहे हैं तो हमने ये कंट्रोल नंबर रूम के नंबर उनको इसलिए दिए हैं कि आप चुपचाप इसमें उनका नाम पता लिखवा सकते हैं और हम उनका नाम बताने वाले का नाम और पता गुप्त रखेंगे, और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाएंगे। तो कंट्रोल रूम बनाने का एक मेन मकसद ये था कि किस प्रकार से जो कोरोना के खिलाफ पूरा देश जंग लड़ रहा है उस जंग में कैसे हम सफलता प्राप्त करें, कौन से आम जनमानस कैसे इस जंग में वो भी अपना क्या योगदान दे सकती है, कैसे इसमें जुड़ सकती है। तो इसके लिए यहाँ कंट्रोल रूम को बताया गया कि वो अपनी सारी चीज़ों की यहाँ बता सकती है और जो भी शिकायतें किसी प्रकार की आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनका निदान या निस्तारण करवा सकती है। सर, कोई शिकायत अभी तक आई है? हाँ, कुछ शिकायतें जैसे आई थी, दो शिकायतें, एक तो ये आई थी जो क्या नाम है, कुछ प्राइवेट लोग जैसे लकड़ी के व्यापारी हैं, दाम हमने वहाँ लिखवा रखा है कितनी लकड़ी कितने रुपए कैसे है, उसको बहुत बढ़ा के हम लोगों ने उसको पकड़ा और मौके पे हमारी टीम ने पकड़ के उसको उसका पैसा वापस करवाया गया। एक वो, और आज भी एक शिकायत आई थी कि एक एम्बुलेंस वाला जो सौ वाहन था वो वहाँ पर गया, उसने उस व्यक्ति से जो परिवारिक जन थे उनसे कहा कि हम जल्दी से आपका दाह संस्कार करा देंगे और उनसे 5000 रुपये ले लिया। जैसे हमारे पास तुरंत वहाँ शिकायत है इस नंबरों पे, तुरंत हमारे लोग वहाँ पे गए, उस एम्बुलेंस चालक को पकड़ा गया, तो उसने इधर उधर बहाना बनाया, तुरंत पैसे को वापस कराया गया। और इस वक्त हमारे चार जो वरिष्ठ निगम के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हमारे हैं, चीफ इंजीनियर हैं, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, सहायक नगर आयुक्त हैं, और जो हमारे इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स के कर्नल CP सिंह हैं, इन लोगों को जॉइंट हम लोगों ने वहाँ बना रखा है जॉइंटली, कि सब कुछ देखते रहें और इस प्रकार की कोई भी अव्यवस्था ना फैलने पावे, और अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर कालाबाजारी या इस प्रकार का कि इस विपदा की घड़ी में भी वो अवसर को तलाश रहे हैं उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई अमल में लाएंगे, और ज़रूरत पड़ी तो ऐसे लोगों को जेल भी भेजा जाएगा।